और बात सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर की, जो रो रहा है, अपने बच्चों से मिलना चाहता है। उसका यह कहना है कि वो बच्चों से मिलने के लिए भारत आना चाहता है। सीमा का पति गुलाम हैदर रो रहा है, वो अपने बच्चों के लिए परेशान है जिन्हें सीमा अपने साथ ले आई है। उसका पति अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहा है। सऊदी अरब में रह रहे उसके पति का एक वीडियो सामने आया है, उसमें वो रो रोकर अपने बच्चों से मिलने की गुहार लगाता दिख रहा है। उसका कहना है कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहता है और इसके लिए उसे जो करना पड़ेगा वो करेगा। गुलाम को अपने बच्चों की याद सता रही है और वो उनकी याद में फूट फूट कर रोने लगता है। हाल ही में जब गुलाम से उसके बच्चों के बारे में पूछा गया तो उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। गुलाम का कहना है चाहे कुछ हो जाए वो अपने बच्चों से मिलकर ही रहेगा, वो भारत आना चाहता है। नोएडा आकर अपने बच्चों को देखना चाहता है। गुलाम का कहना है कि सीमा और उसके बीच जो कुछ हुआ उसकी सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ सीमा का पति हैदर बच्चों के लिए रो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सीमा सचिन के लिए उपवास रख रही है, त्योहार मना रही है, सचिन की लंबी आयु की कामना कर रही है। एक वीडियो में सीमा मांग में सिंदूर और बिंदी लगाकर तुलसी पूजा करते हुए दिखाई दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाते भी दिखाई दे रही है। अब ये देखना है कि क्या वाकई गुलाम हैदर अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत आएगा, क्या हैदर को वीजा मिल पाएगा। वहीं सीमा का कहना है कि उसके बच्चे उसके साथ हिंदुस्तान में खुश हैं, वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। लेकिन हैदर का कहना है कि मैं बच्चों का पिता हूँ, अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकता। पत्नी सीमा को सजा मिलनी चाहिए। उसने आरोप लगाया है कि भारत में सीमा उसके बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर रही। गुलाम ने सीमा के भारत जाने के पीछे कोई बड़ी साजिश की आशंका भी जताई थी। गुलाम हैदर ने एक बार फिर कहा है कि भारत सरकार को सीमा और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं सीमा हैदर आजकल हिंदू त्योहार पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाती है। आज भी सीमा ने पारंपरिक अंदाज में नागपंचमी मनाई, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और मैं बहुत ही धैर्यशाली हूँ, मुझे 5 पत्तों वाली बेल मिली। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नागपंचमी की बधाई। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीमा हैदर हिंदू त्योहारों को पूरे रीति रिवाज के साथ मना रही है। सीमा हैदर ने आज नाग पंचमी मनाई। देखिए सीमा ने नाग पंचमी पर दीवार पर नाग देवता बनाए और फिर उनकी पूजा की, आरती उतारी, नाग देवता को भोग भी लगाया। नाग देवता की पूजा करने के बाद सीमा ने सोशल मीडिया में एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमे सीमा ने नाग पंचमी की सभी को बधाई दी और एक बार फिर से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। श्री राम, आज मैं अपने ससुराल रघुपुरा में नाग पंचमी की पूजा की और शंकर जी और गणेश जी की और सभी देवी देवताओं की पूजा की और नाग बनाए दीवार पर उनकी भी पूजा की, जितना मुझे आता था और विधि विधान मुझे मेरी सासू माँ ने बताई। और मैं बहुत ही धैर्यशाली हूँ, मुझे 5 पत्तों वाली बेल मिली। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नाग पंचमी की बधाई। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीमा का जोर इन दिनों खुद को हिंदू सभ्यता के रंग में दिखाने पर है। उनके हर वीडियो में माथे पर सिंदूर और बिंदी देखी जा सकती है। इसके अलावा वो तुलसी पूजा करते हुए भी नजर आ चुकी है। हरियाली तीज के मौके पर भी सीमा ने हिंदू महिलाओं की तरह हरे रंग की साड़ी पहनी और पूजा अर्चना की। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाली तीज के मौके पर सीमा हैदर ने उन सभी बातों को ध्यान में रखा जो हिंदू शादीशुदा महिलाएं रखती हैं, जैसे हरे रंग की साड़ी पहनना और 16 श्रृंगार करना।
साथ ही सीमा ने जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। श्री राम आज मैं अपने ससुराल रघुपुरा में नाग पंचमी की पूजा की और शंकर जी और गणेश जी की और सभी देवी देवताओं की पूजा की और नाग बनाए दीवार पर उनकी भी पूजा की जितना मुझे आता था और विधि विधान मुझे मेरी सासू माँ ने बताई और मैं बहुत ही धैर्यशाली हूँ। मुझे 5 पत्तों वाली बेल मिली। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नाग पंचमी की बधाई। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीमा जानबूझकर खुद को हिंदू दिखाने की कोशिश कर रही है, वो इमोशनल कार्ड खेल रही है और हिंदुत्व की आड़ लेना चाहती है। हकीकत चाहे जो हो, लेकिन फिलहाल सीमा को हिंदू रीति रिवाजों के रंग में रंगा देखा जा सकता है। हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, नोएडा।